सब क्या है माँ जी, कोई आ रहा है क्या? जी नहीं, ये अरे नहीं, कोई आ नहीं रहा, बल्कि मैं जा रही हूँ। कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुम लोग बुत बनी क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ, चलो जाके ये रखो गाड़ी में, और पिछली वाली गाड़ी में तुम दोनों बैठो, चलो। अम्मा जी आपने जवाब नहीं दिया, कहाँ जा रही हैं आप? अरे बताती हूँ, जरा दम तो लो, अभी आए हो। अम्मा जी तुम्हारे लिए रिश्ता देखने जा रही हूँ। क्या क्या मतलब है इस बात का? अरे मतलब साफ है बेटा कि लड़की मैंने पसंद कर ली है, डॉक्टर है वो भी तुम्हारी तरह, बस 10-15 साल तुमसे छोटी होगी, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अम्मा जी मुझे किसी लड़की के बायोडेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही शादी करने में। रखें ये सब वापस, आप कहीं नहीं जा रही। देखो सकलैन, मैं रिश्ता लेके भी जाऊंगी और तुम शादी भी करोगे, बहुत ढील मिल गई तुम्हें, अब ये सब नहीं होने दूंगी। क्या हो गया माँ जी आपको, बैठे बैठे क्या समाई आपके मन में? बस जो समा गई वो समा गई, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और जो मैं फैसला कर लेती हूँ वो पूरा करके ही दम लेती हूँ। मैं शादी नहीं करूंगा। अरे क्या पगला गए हो बेटा, वो गजनफर कुमैल की शादी कर रहा है, एन मुमकिन है वो अपनी बेटी को भी ब्याह दे, और तुम यूं ही बैठे रहना। वो लोग जो करते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता माँ जी। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, अरे गजब खुदा का, उनके घर में खुशियों ने बसेरा डाला हुआ है, आए दिन उनके घर में चरागा होता है, और मेरा बेटा मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा कर दिया, ये मैं नहीं होने दूंगी। हाँ वो मेरी चॉइस है माँ जी। और ये मेरी चॉइस है बेटा। माँ जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माँ जी रुके, माँ जी आप कहीं नहीं जा रही, ना ही आप ये रिश्ता लेकर जा रही हैं, ना ही मैं शादी करूंगा, और याद रखें अगर आपने मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी उठाया ना, निकाह वाले दिन इनकार कर दूंगा मैं। अरे कुछ होश करो, क्या हो गया तुम्हें सकलैन, हैं? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ये जो तुम कर रहे हो ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़कों वाला बिहेव मत करो, मत तमाशा लगाओ इस तरह, अपनी उम्र देखी है तुमने, कम अज कम मेरी इज्जत और अपने मर्तबे का ही ख्याल रख लो। माँ जी आप ये जबरदस्ती करके ठीक नहीं कर रही। मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, लेकिन मैंने तो देर कर दी, ये जबरदस्ती मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, अगर ये सब मैं पहले करती ना तो आज तुम भी गजनफर की तरह अपने बेटे की शादी कर रहे हो। माँ जी बस बहुत हो गया, मैं फैसला कर चुकी और अब ये शादी हो के रहे, कोई नहीं रोक सकता। माँ जी अच्छा रुक जाओ। हेलो वासित, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, मैं तैयार हूँ, अभी आपने तैयार भी बोलती रहो। आप भी ना, बता देते कि आप आ गए, मैं बिला वजह बोलती चली जा रही थी। बस आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा था, सुनता रहा। लेकिन आप तो बिल्कुल बाहर थे। हाँ लेकिन गाड़ी पार्क करके उतर के वॉक करके मेन दरवाजे तक फिर अंदर आते टाइम लग जाता। ये तो वो वाला सूट है जो मुझे पसंद था। एग्जैक्टली आप भी कोई मौका मिस नहीं करते, जैसे आप मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं ना, काश मैं आपकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर पाती। तुम्हारा कितनी बार कहा है ये बातें मत रिपीट किया करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से, तुम्हें पता है ना तुम्हारा साथ है जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़ के है। लेकिन मुझे भी पता है कि मेरी इस कमी की वजह से आप औलाद की नेमत से महरूम हैं। मेरी जान, दुनिया के लिए होता होगा ये कि औरत औलाद के बाद मुकम्मल होती है, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। मेरे लिए तुम मुकम्मल औरत हो, और खुदा की कसम बहुत पसंद हो। इमोशनल नहीं हो, लेट नहीं हो रहे, अब हम टाइम देखो क्या हो गया। आप भी ना मुझे बातों में बिजी कर देते हैं, जाए जल्दी से ऊपर जाके चेंज करें। बस 15 मिनट में आ रहा। कपड़े मैंने लटका दिए हैंगर के ऊपर। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, कैसे हैं आप? हेलो अमारा, फौरन यहाँ आओ, अभी और इसी वक्त। अभी तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मैं अभी बासित के साथ आपका रिश्ता लेने जा रही हूँ। तो तुम जानती हो कि अम्मा क्या करने जा रही हैं, और तुम उनका साथ दे रही हो? हाँ हाँ भाई, लड़की मैंने ही ढूंढी है, आपको माजी ने बताया नहीं? बहुत अच्छी लड़की है। हमारा, लेकिन तुम जानती हो कि मैं बख्तावर के पीछे मत भागे भाई, जैसा आप चाहते हैं, आपको पता है माजी ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हमारा मेरी बात सुनो, ये मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे तन्हा रहना या किसी के साथ। हाँ, तुम और अम्मा इस बात का अख्तियार नहीं रखते। ओके सकलैन भाई, हम आपके अपने हैं, हमें आपके भले का ख्याल है, हम आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं, इसलिए माँ जी आपके लिए ये फैसला कर सकती हैं। हमारा हमारा, जो खुशियां तो मुझे देना चाह रहे हो, मुझे वो कबूल ही नहीं है। शादी होगी तो आप सब भूल जाएंगे, मैं भी तो गजनफर को भूल गई हूँ ना। गजनफर भाई, हमारा तुम गजनफर भाई से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं बख्तावर से प्यार करता हूँ। मुझे माँ जी की कॉल आ रही है, मैं फोन बंद कर रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे जाना है। नहीं, नहीं, अमारा, अमारा, सुनो। हेलो,